गुड मॉर्निंग स्टूडेंट रिलेवेंट क्लास फिफ्थ नाउ वी लुक लेसन सेवन स्टैचू ऑफ चीयरफुल प्रिंस हुज टाइटल इज स्टैचू ऑफ चीयरफुल प्रिंस प्रसन्नचित राजकुमार की मूर्ति एंड नाउ आई लुक पेज नंबर 38 पैराग्राफ थर्ड पेज नंबर 38 एंड हेंस आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ सालो सालो इन द स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल गौरैया गौरैया इन द स्क्वायर बिलो स्क्वायर मीन्स बेटा वर्ग होता है वर्गाकार होता है बस यहाँ वर्गाकार से सेंस नहीं है अच्छे व्यवहार से सेंस है जिसे आप विनम्रता भी कह सकते हैं सालो सालो इन द स्क्वायर बिलो गौरैया गौरैया एक विनम्र आवाज में आवाज़ निकली देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल वहाँ एक छोटी प्रतिद्वंदी लड़की खड़ी है आई मीन एक लड़की है जो किसी प्रतियोगिता में भाग ली है सी हैज लेट हर मैचेस फॉल इनटू द गटर सी हैज लेट हर मैच उसने अपने दिया सलाई को गटर में नाले में गिरा दिया है एंड दे आर ऑल स्पिल्ड और वे सब विभक्त हो गए हैं बट गए हैं हर फादर विल बीट हर हर फादर विल बीट हर उसके पिताजी उसको मारेंगे या उसके पापा उसको मारेंगे इफ सी डेन नॉट ब्रिंग होम सम मनी यदि वह कुछ पैसे घर नहीं ले जाती है एंड सी इज क्राइंग और वह रो रही है प्लक्ड आउट माई अदर आईज मेरी दूसरी आंखें निकाल दो एंड गिव इट टू हर और उसे इसे दे दो नो आई कैन नॉट डू इट आई कैन नॉट डू डैट नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता सेड द सालो गौरैये ने कहा यू डिड बी क्वाइट ब्लाइंड देन तब तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे डू एज आई कमांड सेड द प्रिंस तो प्रिंस ने क्या कहा डू एज आई कमांड करो जैसा मैं कहता हूँ जैसा मैं आदेश देता हूँ या जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो सेड द प्रिंस राजकुमार ने कहा सो द सालो प्लग द अदर आई एंड फ्लू पास्ट द मैच गर्ल इसलिए गौरैये ने इसलिए गौरैये ने राजकुमार की दूसरी आंखें निकाली और उस प्रतिद्वंदी लड़की के पास उड़ गया और उस प्रतिद्वंदी लड़की के लिए उड़ गया उसके पास गया ही स्लिप्ड द ज्वेलर इंटू द पाम ऑफ हर हैंड ही स्लिप वह बिखेरा द ज्वेलर ज्वेलरी को इंटू द पाम ऑफ हर हैंड पाम मीन्स होता हथेली ऑफ हर हैंड उसके हाथों की ही स्लिप्ड द ज्वेलर इंटू द पाम ऑफ हर हैंड वह उसके हाथों की हथेली पर ज्वेलर आई मीन आभूषण को बिखेरा रखा द गर्ल वॉज डिलाइटेड लड़की प्रसन्नचित हो गई लड़की खुश हो गई देन द सालो केम बैक टू द प्रिंस तब गौरैया राजकुमार के पास वापस आई देन द सालो केम बैक टू द प्रिंस तब गौरैया राजकुमार के पास वापस आई यू आर ब्लाइंड नाउ अब तुम अंधे हो ही सेड उसने कहा सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा ठहरी रहूंगी एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट इवन आफ्टर हिज रिक्वेस्ट टू गो बैक टू इजिप्ट 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 मीन्स क्या था मिस्र देश का एक मिस्र नामक एक देश उसे हम इजिप्ट कहते हैं बेटा एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट और वह राजकुमार के पैरों पे लेट गया सो गया इवन आफ्टर हिज रिक्वेस्ट बिना अपनी विनती किए टू गो बैक टू इजिप्ट अब वापस इजिप्ट देश जाने का मतलब गौरैये ने अब इस बार विनती भी नहीं की कि वह वापस इजिप्ट देश जाना चाहती है कि उससे उसने विनती भी नहीं की और स्वयं अपनी इच्छा से कहा
कि तुम अंधे, कही गौरैया कि अब तुम अंधे हो गए, मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे पास ठहरी रहूंगी। ऑल डे द सालो सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, पूरे दिन गौरैया राजकुमार के कंधे पर बैठी रही। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, एंड टोल्ड हिम उन कहानियों को बताई व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, जो इस विचित्र देश में उसने देखी थी, जो विचित्र भूमि पे उसने देखी थी। गौरैया ने जो भी चीज़ें देखी थी, जो भी दृश्य देखी थी, उन दृश्यों को, उन कहानियों को, उन घटनाओं को वह राजकुमार से बताई। ही टोल्ड हिम वह उसे कही आप द रहस्यमयी होने का, हु लिव्ड इन द डिजर्ट, जो रेगिस्तान में रहता था, एंड न्यू एवरीथिंग, और सब कुछ जानता था। द मर्चेंट, व्यापारी, हु वॉक्ड बाई द साइड ऑफ द कैमल, जो चलता था बाई द साइड, बगल से ऑफ द कैमल्स, ऊँट के। द मर्चेंट हु वॉक्ड बाई द साइड ऑफ द कैमल, उसने उस व्यापारी के, वो व्यापारी के बारे में बताया जो ऊँट के बगल से चलता था। बट द प्रिंस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन राजकुमार संतुष्ट नहीं था। डियर सालो प्री गौरैया, ही सेड, उसने कहा, यू टेल मी आप मार्वलस थिंग। अब राजकुमार क्या कहता है, डियर सालो, प्यारी गौरैया, ही सेड, उसने कहा, यू टेल मी आप मार्वलस थिंग, तुमने मुझे चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताई। बट व्हाट अबाउट द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन तुमने उस कष्टमयी आदमी और औरतों के दुख के बारे, बट व्हाट द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन तुमने आदमी और औरत के कष्ट के बारे में नहीं बताया। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के लिए उड़ो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि व्हाट यू सी देयर, कि तुमने वहाँ क्या देखा। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। सो द सालो फ्ली ओवर लेंस, इसलिए गौरैया उस भूम के लिए उड़ी। एंड सा द फेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उस भूख से मरने वाली बच्चे के चेहरे को देखा। ही फ्लू बैक, वह वापस उड़कर आई एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और राजकुमार से बताई जो उसने देखा। अब राजकुमार क्या कहता है, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं बहुत ही सोने से ढका हुआ हूँ, अच्छे सोने के साथ मैं ढका हुआ हूँ, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे निकालना चाहिए, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती, एंड गिव इट टू द पुअर हंगरी, और उस गरीब भूखे बच्चों को दे देना। लीफ बाई लीफ, एक एक पत्ती ऑफ द फाइन गोल्ड, अच्छछे सोने की थी, ब्राट द सालो टू द पुअर, गौरैया ने गरीब के लिए ले गया। दे नाउ हैड फूड एंड शेल्टर, अब वे भोजन प्राप्त किए और आश्रय प्राप्त किए। द चीयरफुल प्रिंस नाउ लुक डल एंड ग्रे, प्रसन्नचित राजकुमार अब गंदा और ग्रे दिखने लगा, धुंधला दिखने लगा। देन केम द विंटर, तब सर्दी आ गई। कहने का सेंस ये है कि राजकुमार के अंदर, देखिए बेटा, राजकुमार के तलवार की मुट्ठ में, जो प्रसन्नचित राजकुमार था उसके तलवार की मुट्ठ में क्या लगे थे,
रूबी लगी हुई थी। वो एक बार रूबी निकाला, फिर उसके आँखों में, दोनों आँखों में क्या लगे हुए थे, सेफ्रियस लगे हुए थे, नीलमणि लगी हुई थी। उन दोनों नीलमणियों को उसने भी निकलवा दिया। अब फिर उसका पूरा शरीर सोने से, सोने की पत्तियों से ढका हुआ था। उन सोने की पत्तियों को कहता है कि निकाल कर उसे दे देना। उस भूखे बेचारे उन पैर माता उस महिला और आदमी को दे देना जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो ये क्या करता है, गौरैया सारा चीज़ निकालता है और सारा चीज़ एक एक करके जहाँ राजकुमार कहता है देने के लिए उन लोगों को दे देता। अब राजकुमार क्या हो गया, अब राजकुमार तब गंदा दिखने लगा और धुंधला दिखने लगा। और उसके बाद क्या आ गई, बारिश, ठंडक आ गई, सर्दी आ गई। देन केम द विंटर, तब सर्दी आ गई। द सालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, गौरैया ठंड और ठंड होती चली गई। गौरैया ठंड होती गई, क्योंकि बेटा चिड़िया पक्षियां भी घोंसले में रहती हैं, बट वो खुले आसमान में रह रही थी उस स्टैचू के पास, और ठंडक आ गई थी तो इससे वो ठंड पे ठंड हो जा रही थी, बहुत ठंडी पड़ जा रही थी। द सालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, गौरैया की ठंडी बढ़ती जा रही थी। बट इट कुड नॉट लीव द प्रिंस, फार ही वॉज ब्लाइंड, बट इट कुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन यह प्रिंस राजकुमार को छोड़ना, बट इट कुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन यह राजकुमार को छोड़ ना सकी। फार ही वॉज ब्लाइंड, यहाँ फार का सेंस बढ़ता होता है बिकाज। फार क्या सेंस किसके लिए आया, बिकाज के लिए। फार ही वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधी थी, अंधा था। कौन, राजकुमार। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने बेकर के दरवाजे से, दरवाजे के बाहर से चूर को उठाया, चूरों को उठाया, चूरों को, या क्रम मीन्स होता है बेटा चूरा अथवा रोटी का टुकड़ा, क्रम मीन्स चूरा अथवा रोटी का टुकड़ा। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने बेकर के दरवाजे से रोटी के टुकड़ों को उठाया। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म, एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और स्वयं को गर्म रखने की कोशिश किया। बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को लहरा कर। नाउ ही न्यू डैट ही वॉज गोइंग टू डाई, अब ही न्यू, वह जान गया था डैट कि ही वॉज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा था। आई मीन अब वह जान